श्वास के संबंध में दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र है, बाहर जाती हुई श्वास को पूरी शक्ति लगाकर उलीस दीजिए, लेकिन भीतर आती हुई श्वास को लेने की कोशिश मत करिए। श्वास लेने का काम अस्तित्व पर, परमात्मा पर छोड़ दीजिए। यानी श्वास को उलीस देना है, लेना नहीं है। उलीसना पूरा पूरा जोर से है, उसमें कोई कभी नहीं करनी। सारी श्वास बाहर उलीस दो, लेने की चेष्टा न करो। लेने का काम सहज रूप से शरीर पर छोड़ दो, अस्तित्व पर छोड़ दो, परमात्मा पर छोड़ दो। तुम सिर्फ उलीचो दो, बाहर जाने दो। लेकिन ये भी दूसरा महत्वपूर्ण दुर्भाग्य मनुष्य के जीवन का है कि हम सारा इम्फेसिस लेने पर रखते हैं, सारा जोर लेने पर होता है। श्वास के मामले में ही नहीं, जिंदगी के सभी मामलों में हमारा जोर लेने पर होता है। ये भी ले लो और ले लो, जोर से ले लो, सब खींच लेना चाहता है, सारी दुनिया से हमारी तरफ आता है। और लेने पर हमारा इतना जोर है कि हमारे जिंदगी में जितने दुख हैं, जितने तनाव हैं, जितनी अशांति है, जितने उपद्रव, अध्यात्म के वैज्ञानिक हैं, अध्यात्म के वैज्ञानिक कहते हैं उन सब का मूल कारण एक ही है कि हमारा सारा जोर लेने पर है, जबकि हमारा सारा जोर जिंदगी में देने पर होना चाहिए। अगर श्वास के संबंध में आपका जोर श्वास को बाहर छोड़ने पर होगा, तो मनोवैज्ञानिक शोधों में पाया गया है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में दान और देना गहन रूप से गहराता चला जाता है। किसी व्यक्ति की श्वास का परीक्षण करके बताया जा सकता है कि ये आदमी कंजूस है या दानी है, देने वाला है। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों में पाया गया है कि कंजूस व्यक्ति श्वास को ही नहीं रोकता, श्वास को लेने के साथ साथ सब कुछ को रोकने लगता है, यहाँ तक कि मल को भी रोकने लगता है। इसलिए 99% मामलों में पाया गया है कि कंजूस व्यक्ति निश्चित रूप से कब्जियत का शिकार होता है, क्योंकि सब कुछ रोक लेना चाहता है, तो मल को भी रोक लेता है, वो भी बाद में उसके शरीर की रचना ऐसी हो जाती, मस्कुलेचर ऐसा बन जाता है। जब आप शरीर से उथली उथली श्वास लेते हैं तो आपके मांसपेशियों की व्यवस्था एक विशेष ढंग से बन जाती है, आपकी मांसल संरचना एकदम दूसरी हो जाती है, जिसे मस्कुलेचर कहते हैं। वो ऐसा बन जाता है कि आप उथली उथली श्वास ही लेने लगते हैं और निरंतर आप चिंता भय तनाव से भरे रहते हैं, और ये सारी चिंता भय और तनाव काल्पनिक होते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस पृथ्वी पर मनोवैज्ञानिक शोध कहती है कि तुम्हारे 99% दुख, 99% चिंताएं उन चीज़ों को लेकर के होती हैं जो कभी घटी थी नहीं होती, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा मस्कुलेचर, तुम्हारी मांसपेशियों की संरचना ऐसी बन जाती है कि आप निरंतर काल्पनिक भय में जीने लगते हैं। और ये कैसे बनती है, आपका मस्कुलेचर इतना बिगड़ता क्यों है? बिगड़ता इसलिए है कि आप उथली उथली श्वास लेते हैं। उथली उथली श्वास लेने की आदत छोड़नी है। आपको पता है, आप अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने कहा कि आपको गिनी हुई श्वासें मिली हुई हैं, और उतनी श्वास पूरी हो जाएगी तो आप संसार से विदा हो जाएंगे। जो उथली उथली श्वास लेता है उसका जो श्वास लेने का कोटा है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, 10 साल 15 साल पहले ही ख़त्म हो जाता है। अगर दीर्घ जीवन चाहते हो, लंबा जीवन चाहते हो, निरोगी जीवन चाहते हो, आनंदित जीवन चाहते हो और दीर्घ जीवन चाहते हो, तो श्वास को लंबी और गहरी लेने का अभ्यास करो। और उसका एक ही उपाय है, और सब उपाय करोगे तो जितनी देर करोगे, 10 मिनट होश रहेगा तो 10 मिनट चलेगी गहरी सांस, फिर काम में लग जाओगे, उससे ज़्यादा नहीं चलेगी। अगर चाहते हो कि तुम्हारे जीवन का अंग बन जाए, उथली उथली श्वास ना रह जाए, सिर्फ लंबी गहरी श्वास निरंतर नाभि से चलने लगे, तो संजीवनी क्रिया का अभ्यास जरूर करना, क्योंकि संजीवनी क्रिया मेरे पूरे जीवन के आध्यात्मिक साधना के अनुभवों का सार है।
जो 21वीं सदी के आदमी के लिए रामबाण औषधि है, देखने में बहुत छोटी है लेकिन इसके परिणाम बहुत विस्फोटक हैं। टू शॉर्ट, टू सिंपल बट मोस्ट इफेक्टिव क्रिया फॉर द 21st सेंचुरी मैन। श्वास छोड़ने पर पूरी श्वास बाहर फेंकती, जब बाहर फेंकते हैं तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड है, जितने विकार हैं, वो सब उसके साथ बाहर चले जाते हैं और शरीर को जितनी आवश्यकता होती है शरीर उतनी ऑक्सीजन अपने आप भीतर भर लेता है। जब आपका जोर छोड़ने पर होगा तो आप देखिए, आप फेंकते क्या है, जो श्वास बाहर फेंकते हैं उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है और आप पूरी ताकत लगाकर पूरी प्राणवायु बाहर छोड़ देते हैं, गंदी वायु बाहर चली जाती है और आपको बदले में क्या मिलता है, ऑक्सीजन, प्राणवायु जो आपको जीवन दे देती है। इस संसार में भी आप माटी देते हैं, सोना वापस मिलता है, देना ही पाना है। और ये कैसे संभव है, इसके लिए एक टेक्निक है जिस टेक्निक को मैंने महामंत्र हू का उच्चार इस नाम से संजीवनी क्रिया के अंग के रूप में दिया है। ये वही विधि है, पूरी श्वास को पूरी ताकत लगा कर उलीस दे और ब्रह्मांड से प्राणवायु ऑक्सीजन को भीतर आने दे, ये काम अस्तित्व और परमात्मा पर छोड़ दे। ये वही विधि है जो भगवान शिव ने माँ पार्वती को दी थी, उन्होंने कहा था तू आ और ओंकार में जो आ ऊ माँ है उसमें से आ और माँ के बीच जो ऊ है ऊ में डूबने का अभ्यास कर। वही विधि संजीवनी क्रिया में एक चरण के रूप में मैंने दी है जिससे ये दूसरा महामंत्र समाहित हो जाता है। अब श्वास प्रक्रिया के संबंध में तीसरा महामंत्र, बाहर जाती हुई श्वास के साथ भावना करो कि मैं बाहर गया और भीतर आती हुई श्वास के साथ भावना करो कि मैं भीतर आया। इसका विज्ञान क्या है, इसका सार क्या है, इसका सार है श्वास के साथ एक हो जाओ। श्वास बाहर गई, आप बाहर गए। और वास्तव में अगर श्वास बाहर रह जाए भीतर ना आए तो फिर आप इस शरीर में भीतर आ पाएंगे, असंभव, नहीं आ पाएंगे। तो श्वास बाहर गई तो समझे आप बाहर गए, आप श्वास ही हैं, श्वास के साथ एक हो जाए। श्वास बाहर गई, आप बाहर गए, श्वास भीतर आई, मैं भीतर आया। इसका अगर अभ्यास आपको होगा तो इसका परिणाम क्या होगा, धीरे धीरे आपको लगेगा कि आप इस अनुभव को उपलब्ध होंगे कि मैं शरीर नहीं हूँ। श्वास के साथ बाहर गए आप तो आप शरीर से अलग हो गए कि नहीं, तब आप इस विराट अस्तित्व के अंग हो गए। और बाहर से भीतर श्वास के साथ आ पाए तो इस शरीर को आपने जीवंत कर दिया। तो आप अगर ये भाव रखेंगे तो धीरे धीरे आपको अनुभव होगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं विचार नहीं हूँ, मैं भावनाएं नहीं हूँ। आपके भीतर साक्षी भाव पैदा होगा, अद्वैत पैदा होगा। अद्वैत ही अध्यात्म का प्राण है। अद्वैत का मतलब है सर्वं करोदम ब्रह्म, यानी मैं ही बाहर मैं ही भीतर, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ये जो अध्यात्म का अनुभव है जो आप पाठ करते हैं शास्त्रों का, उपनिषद का, ग्रंथों का, वो सिर्फ सारी धार्मिकता आपकी शब्दों तक सीमित रह जाती है, बोलने तक सब सीमित रह जाती है, जीवन का अंग नहीं बन पाती है। जीवन का अंग बनाने के लिए ये तीन सूत्र आपको दे रहा हूँ। तीसरा सूत्र कहता है कि श्वास के साथ ऐक्य, एकता, एकत्व स्थापित हो जाए और तब आपके जीवन में साक्षी भाव फलित होगा, आपके जीवन में अद्वैत फलित होगा। अद्वैत जब फलित होता है तो अद्वैत फलित होने का बाई प्रोडक्ट है परम आनंद की उपलब्धि।